एवरीवन वेलकम बैक। सो मैंने हिस्ट्री की सीरीज़ निकाली थी जो कि यूपी पीसीएस के लिए मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस में आप हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करें, तो आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया और बहुत कमेंट आए कि ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट का आप वीडियो बता दीजिए और अलग अलग करके बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि आज मुझे टाइम मिला बहुत दिनों बाद, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब इसको कंटिन्यू करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ ज्योग्राफी की, ये भूगोल की आप देख सकते हैं, और बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल हैं तो उसको भी मैं आगे सॉल्व करूँगी कि कौन सी आप जो है बुक लिस्ट रखें कौन सी ना रखें, और सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये बुक कैसी है और कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, भूगोल के लिए एक ये महेश कुमार वर्डवाल की आती है दो तरह की बुक, ठीक है, एक होता है समग्र अध्ययन और एक ऐसे ही होता है। तो आपको एक समग्र अध्ययन लेना है, ये यहाँ लिखा होगा आप इसे ही लेना है, और कुछ इस तरह से फ्रंट होगा और चेंज हो सकता है फ्रंट आगे पीछे, जैसे मैंने ये पढ़ा वढ़ा है तो ऐसे चिपका देते हैं कि मुझे याद है कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये आप ले सकते हैं किताब, ठीक है, अच्छी किताब है। और पीसीएस के लिए आप बस एक ही चीज़ इसे फॉलो करेंगे ना, तो आपकी पीसीएस में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आप इस बुक के साथ था कौन सी बुक और ले सकते हैं, तो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये आप एकदम रामबाण है, ये पूर्वालोकन भूगोल की आती है, आपको ये ज़रूर लगाना पड़ेगा, इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो ये है पूर्वालोकन, ठीक है, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये बुक हुई और ये बुक हुई। आगे मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने इसी से अपने नोट्स बनाए कैसे हैं। तो ये आपको दो बुक पीसीएस के लिए रखना ज़रूरी है, और साथ में आपको मैप का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास एटलस है, तो आप ये ऐसे ही मैप जो भी आपके पास हो ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ें। देखो मैंने इसे कैसे पढ़ा है, तो कुछ आपको इस तरह से इसे पढ़ना है। देखो ये अभी ये आप देख सकते हैं, इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व राज्य, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजनीतिक है पढ़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात की तरफ का एरिया, जम्मू कश्मीर के इधर के। देखो मैंने यहाँ दर्रा वगैरह सब कुछ लिख रखा है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस तरह से कुछ मैप पढ़ना है ना, तो आधी ज्योग्राफी तो आपके मैप से कंप्लीट। जैसे हमने बुक पढ़ा, अब मैं मैप देख रही हूँ, तो मुझे याद आया कि कौन सा दर्रा कहाँ है, तो मैंने वहाँ दर्रा लिख दिया, तो इससे ना रिविज़न होता है। तो ये मैप और मैप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने वर्ल्ड मैप कैसे पढ़ा है वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो जैसे कि काला सागर के पास कितने देश हैं, तो मैंने उसको लिख रखा है ऐसे छोटे से इसमें चित्र में, ये ठीक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया को कैसे लिखा हुआ है शॉर्ट में, ये आप देख सकते हैं पहले इसमें कैसे पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आप मैप जब पढ़ेंगे तो आपकी आधी ज्योग्राफी तो कम्प्लीट ही हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका है दोनों, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक में थे इधर उधर लिखने थे, सागर, लाल सागर, ये सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये आप उत्तरी अमेरिका, उत्तरी और यूरोप है, ये आप देखो कैसे मैंने इसको बना के पढ़ा हुआ है, जो भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है, और यूरोप को अच्छे से पढ़ा है, फिजिकल और दोनों, चीन वगैरह है, ये देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड, मतलब ये एशिया है, एशिया को देखो मैंने कैसे पढ़ा, जो भी पॉइंट है यहाँ लिख लिया है। जैसे यहाँ मैंने जल संधियाँ जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने ये देखो यहाँ लिख ली है, यहाँ कुछ लिख लिया है, फिर अपने नोट्स में तो थी, तो इससे ना जब भी मैं मैप देखती हूँ तो जल संधियाँ वगैरह रिविज़न हो जाती हैं, और जब कॉपी खोलती हूँ तो फिर हो जाती है, तो इसलिए रिविज़न हो जाता है। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ जो मैंने इसी से बनाए हैं, ये देखो ये मैं नोट्स दिखा रही हूँ उसके जो है भारत का दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने नोट्स बनाई हुई है। जैसे भारत में नदियों का विस्तार मैंने लिखा हुआ है पूरा, उसके बाद जो है ये पूरे नदियाँ एक एक पॉइंट में करके मैंने लिख रखा है, आप देखें ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, दोआब, ऐसे करके मैंने सारी ब्रह्मपुत्र, मतलब एक भी नदियाँ कहीं की नहीं, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ फिर लिखी है मैंने। तो ये देखो मैंने नदियाँ ना बना दिया है, इससे ना याद हो जाती है कि कौन दाहिने हैं कौन बाएँ हैं, माइंड मैप हो जाता है इससे। या आप जैसे देख सकते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, फिर मैंने ऐसे छोटे से शहर भी बना दिए कि उससे पता चलता रहे, ये हिमालय के बारे में है। तो ये कुछ इस तरह से मेरे नोट हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ वगैरह, मतलब मैंने ये नोट अच्छे से बनाया हुआ है, ये आप देख लो, मैदान, मतलब सारी चीज़ें, पर्वत वगैरह सब कुछ है ये। तो पूरा इंडियन ज्योग्राफी मैंने इतने में
कंप्लीट कर लिया। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको ये वाला मैप रखना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी में ज़्यादा किताब आपको नहीं, ये वाला किताब आपको रखना है। और पूर्वालोकन तो हर कोई रखता ही है, मतलब कि वो हर सब्जेक्ट में रखनी है, तो इसलिए आप बता रहे हो कि पूर्वालोकन भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बस ये तीन किताब रख लें और नोट्स अपने खुद के बना लें, आपका ज्योग्राफी पीसीएस के लिए कम्प्लीट हो जाएगा और मेन्स का भी आपका इसी से कम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए ये बताया है बुक। और बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ के आपके सामने मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं और बहुत इजीली पढ़ा जा सकता है इसे। इसका प्राइस मैं बता दे रही हूँ, ये 380 रुपये लिखा है, यानी कि 350 के आसपास आपको ये मिल जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पूर्वालोकन का भी मैं प्राइस एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, ये 525 रुपये लिखा हुआ है, 4.5 वर्षों तक मिल जाएगा या 500 तक मिल जाए, वो तो आप देख लेना कैसे मिलेगा, बट ये सारे किताबें आपके सामने हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक मैं पॉलिटी के लिए बताऊंगी, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहा तो मैं बहुत जल्द पॉलिटी के लिए लेकर के आ जाऊंगी वीडियो। तो आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।